हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर कीपर। आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो लेकर आया हूं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको तलाश है कोई ऐसे हैंगिंग बास्केट प्लांट की जो कि फुल धूप में अच्छा ग्रो करे, तो आप ऐड करें ये रोयो प्लांट अपने गार्डन में। ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है, और तो और इसे कटिंग से ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। इस तरह की कटिंग लीजिए, वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए मैंने गार्डन सॉइल, कोकोपीट और कंपोस्ट को लिया है, और उसमें 1 से 2 इंच तक इसकी कटिंग को दबा दीजिए। थोड़ा सा पानी डालिए और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो अगली बार आपको ये प्लांट कहीं पर देखने को मिले तो आप भी इसकी कटिंग ज़रूर लाइएगा, नहीं तो आप नर्सरी से ही परचेज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये एलोवेरा की एक वेराइटी है। एलोवेरा काफ़ी सारी वेराइटीज़ में आता है, बहुत ही सुंदर इसका प्लांट लगता है, और मेडिसिनल वैल्यू तो इसकी बहुत सारी है, आप भी जानते होंगे। और इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। इनके रूट से इस तरह से पप्स आते हैं, जिन्हें आप निकाल कर इसे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं तो इन्हें इसी तरह से डिवाइड करता रहता हूँ, और मेरे पास बहुत सारे इसके हो चुके हैं, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप भी इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। नर्सरी में भी ये 30 से 50 रुपए की रेंज में सभी वेराइटीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। मेरे पास तो 2-3 वेराइटीज़ ही हैं जो बहुत ही कॉमन सी हैं, और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। और तो और इसे आप छोटे कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं ये दिवाली का जो खिलौना होता है उसमें लगा हुआ है, लगभग 3 साल इसको हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इस तरह की छोटी छोटी बोतल्स में भी मैंने लगाया हुआ है। इनमें मंथ में 1 ही बार मैं पानी डालता हूँ, बिल्कुल भी धूप इस पर नहीं पड़ती और अच्छे से ग्रो होता रहता है। बीच बीच में जब इस पर पानी नहीं पड़ता है तो इसके जितने भी लीफ में जितना भी वाटर होता है वो सभी धीरे धीरे सूख जाता है, लेकिन प्लांट बिल्कुल भी नहीं मरता है। और अब मैं बाहर आया हूँ घूमने के लिए, तो कुछ मैंने हार्वेस्टिंग किया है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगा। तो देख सकते हैं गाँव कुछ इस तरह का होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये बच्चे जामुन लेकर जा रहे थे तो हमने मांगा तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया। तो गांव में तो इस तरह के काफ़ी सारे जो हैं बड़े बड़े जामुन के पेड़ लगे हुए होते हैं, तो वहीं से फ़िलहाल मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ। ये छोटा वाला है, अभी मैं बड़ा वाला जामुन भी आपको दिखाऊंगा। जामुन का पौधा आप भी अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप अपने गार्डन में या पॉट में ग्रो करते हैं तो ग्राफ्टेड प्लांट लाइएगा, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इस पर मैंने एक रील भी डाला था, आपने शायद देखा होगा। तो आप मेरी रील देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी मैं रील डालता हूं। अगर आप नहीं देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम में वीडियोस लंबे लंबे जो वीडियोस होते हैं वो कम ही डाल पाता हूं, टाइम मुझे मिलता नहीं है। तो शॉर्ट्स आप देख लिया कीजिए, काफ़ी मेहनत में एक शॉर्ट्स में करता हूँ। आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, काफ़ी सारे मैं रीटेक भी लेता हूं और काफ़ी डिटेलिंग में भी वीडियो को शूट करता हूं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो जल्दी मैं यूट्यूब पर लंबे लंबे वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो 1-2 दिन तक वीडियो और मैं डालूँगा। उसके बाद मैं आपसे 9 तारीख के बाद ही आपसे जो है वो मैं मिल पाऊंगा, रेगुलर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो देख सकते हैं जामुन की मेरी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, अब मैं आ गया हूँ आम के बाग में, और यहाँ पर मैं कुछ आम जो है वो हार्वेस्ट करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं एक कटहल का पेड़ लगा हुआ है, और आम तो काफ़ी सारी वेराइटीज़ में आते हैं। फ़िलहाल मुझे आम का उतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन देख सकते हैं मैं प्लांट पर चढ़ने में काफ़ी माहिर हूँ, क्योंकि मैं बचपन में इसी तरह से पौधे पर चढ़ा करता था। तो किसी ने कहा था तो मैं बता देता हूँ कि मैं आम प्लांट वगैरह पर, इस तरह के जो छोटे वगैरह प्लांट होते हैं उस पर मैं आसानी से चढ़ जाता हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे आम फ़िलहाल पकने लगे हैं। ये मेरे बुआ का जो आम का बाग था वहाँ पर मैंने ये वीडियो शूट किया हुआ था, तो लगभग सभी आम हार्वेस्ट हो चुके हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो ही अब फ़िलहाल लगते हैं। और देख सकते हैं ये जो छोटा वाला कटहली होता है जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, ये वो वाला प्लांट है, और ये देसी आम का प्लांट है, बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। मैंने पहली बार ही इसे टेस्ट किया था और बहुत
अच्छा इसका स्वाद होता है।